उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आवाज। R9 टीवी की टीम पहुंची सबके द्वार। महंगाई पर हो अब अंतिम प्रहार। छात्र मांगे बेहतर शिक्षा और रोजगार। किसान नौजवान भी लगा रहे गुहार। महिलाओं पर भी कम नहीं है भार। क्या अब की बार व्यापारियों की आएगी बहार। ₹2020 में सबका उद्धार करो सरकार। बजट से पहले बोल रहा यूपी। सुनिए सरकार। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुनिए सरकार में। मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश के बजट की। योगी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं यह जानने के लिए R9 टीवी की टीम शहर शहर गांव गांव पहुंचती है। लोगों ने क्या कहा यह जानने के लिए देखते रहिए सुनिए सरकार। बजट से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोग योगी सरकार से बजट में किस किस्म की उम्मीदें लगाए बैठे हैं सुनिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद में अब यूपी के बजट की बारी है। हम इस वक्त खड़े हैं क्रॉसिंग में, क्रॉसिंग रिपब्लिक में। लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं किस तरीके का बजट होना चाहिए। क्यों यूपी का ये जो बजट आने वाला है इसमें खास तौर से रोड के डेवलपमेंट के लिए, जो रोड्स की हालत है यूपी में वो हालत अच्छी नहीं है, उसके लिए थोड़ा बजट होना चाहिए। शिक्षा के बेहतर करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान और होना चाहिए। इसके अलावा जो रजिस्ट्री के चार्जेज हैं, जो फ्लैट की रजिस्ट्री के चार्जेज हैं और जो रजिस्ट्री के चार्जेज हैं, उसमें थोड़ी सी राहत आदमी को ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ गृहिणी हैं उनसे भी बात करते हैं। मेरे को ये लगता है कि सीनियर सिटीज़न के लिए हमारे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, विडोज़ के लिए। उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, जो कि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं हमारे जो है उसमें हमको थोड़ा फ़ायदा हो, और उनकी पेंशन्स का भी। बेसिकली यूपी डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है, तो मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि देखो हमारे यहाँ तीन तरीके के तबके के लोग रहते हैं, हाई क्लास, मीडियम क्लास एंड लोअर क्लास। तो इसमें शिक्षा को, उन शिक्षा के लिए उनको अच्छा बजट देना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ के जो स्कूल्स हैं, मैं देख रहा हूँ दिल्ली काफ़ी डेवलप कर रहा है, गुजरात स्टेट का एक अलग मॉडल है, तो यूपी इन सब चीज़ों में काफ़ी पीछे है। तो इनको शिक्षा के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और जो मीडियम क्लास के लिए थोड़ा सा उनको थोड़ा एक फ्लेक्सिबल कॉर्नर रखना चाहिए, ताकि जो मीडियम क्लास हैं थोड़ा सा अभी साइडलाइन हुए हुए हैं। जो सेंटर का बजट आया उसमें भी उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। तो इस तरीके से यूपी को खास ध्यान रखना चाहिए कि जो मीडियम एंड लोअर क्लास, उनके लिए प्रावधान रखें। तो यूपी में एटलीस्ट कम से कम ऐसा बजट आए कि हम मिडिल क्लास को भी थोड़ा फ़ायदा हो। और इवन हम गृहिणी हैं, हमें घर चलाने के लिए आप सब्जियाँ लेने जाओ ना, अभी भी हमारे यहाँ 80 रुपये किलो प्याज है। तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट ध्यान दे, और बाकी तो कनेक्टिविटी पे ध्यान दे, रोड्स पे ध्यान दे, प्राइवेट एजुकेशन पे ध्यान दे, बस यही कहना चाहूँगी। एक्चुअली आई थिंक आज की डेट में हम पेरेंट्स का एक ही कंसर्न रहता है कि हमें ना एजुकेशन, जो भी आजकल बच्चों का एजुकेशन फीस है बहुत ज़्यादा हाई है, तो आई थिंक थोड़ा सा उसमें योगी सरकार को काम करना चाहिए कि थोड़ा सा उनका फीस थोड़ा कम करा दें। अदरवाइज या तो ये ऑप्शन रखें कि नेक्स्ट टाइम फीस बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से उनकी फीस बढ़ जाती है।
और प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, जिससे लेकर के R9 टीवी की टीम ने नोएडा के लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बजट उनके जो रोजगार के लिए होना चाहिए, उनके लिए कुछ नया होना चाहिए। बच्चे नए नए तो कोर्स कर लेते हैं और वो फीस भी आजकल टाइम में बहुत ज़्यादा है। वो फीस को देखते हुए फिर उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता। आप देखते हो फील्ड में कि बच्चे कोर्स करके आ जाते हैं लेकिन फिर उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो हमें उम्मीद है कि बजट में कुछ तो विद्यार्थियों के लिए अलग ही होगा। रोजगार मिलने चाहिए लोगों को जिनके पास काम नहीं है, और बजट ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। सब्जियों के रेट बढ़े जा रहे हैं, सिलेंडरों के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार से हम तो ये चाहते हैं कि घर गृहस्थी जो सामान्य लोग हैं उनकी जो है घर गृहस्थी के लिए आराम से, और शिक्षा के लिए जो है जो फीस बढ़ी हुई है उनकी कम हो जाए, कम फीस में काम हो जाए, बजट थोड़ा हल्का हो जिससे कि सभी सामान्य लोग सामान से ज़िंदगी जीत सकें। क्योंकि सरकार से हमें ये अनुरोध है कि हम घर गृहस्थी चलाने वाले आदमी हैं कि ऐसा बजट लाए कि जिससे कि हम अपना काम धंधा सही कर सकें। बजट ऐसा हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए होते हैं वो सब चीज़ें ठीक कंट्रोल में होना चाहिए, उसके हिसाब से बजट होना चाहिए। अपना चौथा बजट पेश करने जा रही योगी सरकार से औद्योगिक नगरी कानपुर के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, देखिए। अब यही चाहते हैं हम लोग कि सबका राशन कार्ड बन जाए और सब गरीब जनता को राशन मिले और विकास हो नगर का। बजट में तो यही है कि हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग के पक्ष में आए, प्लस जो महंगाई है, महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। जो इस हिसाब से महंगाई और GST और ये सब हो गया है, बिजनेस काफ़ी डाउन चला गया है, जो नहीं जाना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, और जैसे केजरीवाल ने बिजली का बिल 200 यूनिट कम किया है, वो भी हमारे लिए कम, घरेलू के लिए कम होना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, व्यवहार बहुत कम हो गया है, तो ये सब स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं लेकिन व्यवहार के लिए कोई भी वो नहीं है, तो आप उसके लिए वो खास विचार में रखिए, बस यही चाहते हैं हम। बजट में उम्मीद यही रखते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, व्यापारियों के साथ अच्छा हो, आम पब्लिक के साथ, सबको साथ लेके सबका विकास हो, जो कि उनका स्लोगन रहा है, जो कि भाजपा की सरकार का एक स्लोगन रहा है। आम आदमी को बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से सबसे छुटकारा मिले, यही आम पब्लिक चाहती है, यही सब लोग चाहते हैं। हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा बजट जो है उसमें विकास हो और महंगाई की, महंगाई इधर बहुत बढ़ गई है और महंगाई कम हो। उम्मीद रखते हैं कि इससे देश का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, नवीन मार्केट विकास होगा। व्यापार तो इतना ज़्यादा चौपट हो चुका है, क्या करा जाए। अब उसके आने से क्या पता हम लोग की कुछ जो पुरानी जो दुख दर्द चले आ रहे हैं वो सही हो जाए, क्या पता इसके आने से। उम्मीद यही रखते हैं कि शहर का विकास होना चाहिए, क्योंकि BJP का नारा है हर जगह विकास होना चाहिए। जगह जगह पर महंगाई हो चुकी है, महंगाई कम होनी चाहिए। आज महंगाई का स्तर जगह जगह पर बढ़ चुका है, वो कम होना चाहिए। आइए रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां की जनता इस बार योगी सरकार के इस बजट से किस किस्म की उम्मीदें लगाए बैठी है। अलीगढ़ की जनता योगी सरकार से क्या चाहती है, क्या मांगती है, सुनते हैं। बजट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो बजट आ रहा है इससे मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ का जो ताले का व्यापार है वो सरकार इसमें क्या क्या दे रही है बजट में इसके लिए। जैसे हम व्यापारियों को ताले के व्यापार के लिए अलग प्रदेश में जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है, तो वो वहाँ ना जाने के बजाय हमारे यहाँ को सुविधा हो। इतना जैसे हम व्यापारी रेंट पे जगह लेके काम करते हैं, और जो बिजली का हमारा बिल आता है सबसे मेन होता है उत्पाद, जो हमारा मेन बिजली से चलता है उसकी दरों पर उत्पाद। दीपक, बजट आ रहा है, क्या स्टूडेंट उम्मीद करते हैं? देखिए, बजट को लेकर हम स्टूडेंट यही उम्मीद करते हैं कि शिक्षा स्तर पर थोड़ा सा अच्छा सरकार सोचे, और जिस प्रकार से शासन ने यह पारित किया था कि एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा, तो राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द हो, जिससे छात्रों को आगरा यूनिवर्सिटी से छूट मिल सके। तमाम ऐसी चीज़ें आगरा यूनिवर्सिटी में मार्क्स को लेकर और शिक्षा को लेकर जो कि छात्र कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, तो इस स्तर पर यह सरकार सोचे और बजट में यह प्रस्ताव पास करे कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो। खासतौर से बजट के लिए हमें बड़ी आस रहती है, हर साल सरकार से उम्मीद रहती है कि वो कहीं ना कहीं कारोबार में हमें GST जैसे कानून या GST में कहीं ना कहीं छूट दे दें। बाकी और हमें जो लोन है, जो हमारे जो लोन का पैसा आता है वो हमें कहीं ना कहीं छूट दें, हमारे जो लोन का पैसा आसानी से मिल जाए बैंकों से,
और इट्स जो हमारी लेबर है उसके लिए भी सरकार थोड़ा सा कुछ योजनाएं ऐसी निकाले कि हमारा भार कम हो जाए। क्या ये बिजली इतनी महंगाई है, सिकंजा किसानों पर कसा जा रहा है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसान बिल्कुल घाटे में चल रहा है और ये कोई सुविधा नहीं मिल रही है किसान को और फसल का भी कोई रेट नहीं मिल पाता है। सरकारें आती हैं, तमाम तरह की वायदा करती हैं लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिलती है, केवल सुविधा अधिकारियों तक रहती है। किसान का जो सुविधा होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और किसान की बिजली बहुत ट्यूबवेल पे बहुत बिल करता है, बिल कम होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जिला गोंडा, गोंडा की आवाज क्या है? केंद्र सरकार के बजट के बाद में योगी सरकार के बजट से गोंडा जिला किस किस्म की उम्मीदें लगाए बैठा है, सुनिए। सरकार से हम लोग की यही अपेक्षा है कि जो जब बजट हमारा प्रस्तुत करे सरकार, जन उपयोगी हो, जिसमें विशेष ध्यान महिला सुरक्षा पे हो, महंगाई पे हो और शिक्षा पे हो, और साथ ही साथ सड़कों का ऐसा विकास हो कि जो आज की डेट में हम 1947 से लगभग आज तक उत्तर प्रदेश में सड़कों का बहुत बड़ा अभाव देखा जा रहा, आज भी कई जगहों पे पीपे के पुल मिल रहे हैं। तो बड़ी अपेक्षा है कि जो कुछ भी हो जनहित में हो, जिसमें से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और महिलाओं का विशेष शिक्षा सुरक्षा इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाए। पहले जो है बहल्ला जानवर कर गौशाला सरकार बनवावे, ओकरे बाद बजट बाद में दिए, नहीं यहाँ फिटारा काट खाई जो है फर्ज हो जाब हमारे एको फसल नहीं बचे पावे थी, कतरनो जो है भर्ती लगा दियो सब ओका डुंडा की यहाँ पस्त की यहाँ है। पहली समस्या तो जानवर छुट्टा जानवर का, हम लोग ऐसे ज़्यादा पीड़ित हम। एकरे बाद में बीज सस्ता हुए, खाद सस्ता हुए, जानवर सबके बजट में रहे खरीद सकी, और बिजली सस्ती हुए जैसे पानी चला सकी, जैसे चार पानी देख है अब एक्के दो पानी में हम लोग रह जाए थे, बिजली भरपूर मात्रा में यहाँ मिले हमें सबका, तब तो काम कहीं मिली। तो संसाधन पर छूट मिले, ये महान छूट मिले, यहाँ सब हमें सबका फायदा है। बजट ये सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, जैसे 500 रुपये में थे वो जो है 40 रुपये में, फिर भी गरीबों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। अगर गरीबों मजदूरी करते हैं उनका मजदूरी नहीं बढ़ता है, अगर वो कहाँ पे चले जाएं कैसे अपना बच्चा जियाएं, कपड़ा भी है उस पर भी महंगाई है, सब्जी है उस पर भी महंगाई है, चावल दाल बताओ 100 रुपया किलो, हम गरीबों के घर में पैदा होता तो 10 रुपया 20 रुपये से आगे कोई नहीं खरीदता है ना। अरहर कभी पैदा को इतने जानवर छुटे हैं और इतने सब कुछ है, खेती में इतने भर्ती लगा दो पैदा भी नहीं होता है, तो गरीब आदमी कैसे बच्चे जाएंगे। हम चाहते हैं कि क्या नाम है हमारे जैसे घरेलू सामान सस्ते हों और उसके बाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सरकार उसका सहयोग करे, और लड़कियों के जो आजकल ये क्या ना सुनाई देता है यहाँ वहाँ की बातें रेप वगैरह, ये सब के लिए हमारे बच्चों महिलाओं के लिए सुरक्षित सरकार करे। रसोई, हाँ रसोई से भी संबंधित है, गैस सिलेंडर वगैरह सस्ता करे। पहले तो GST जितना बढ़ा के रखा है उतना उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और प्लस जितना भी बजट अगर आ भी रहा है तो उसको ढंग से आए, हर चीज़ इतनी मतलब महंगाई है उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। ये महंगाई बढ़ती जा रही है यहाँ पे और रिसोर्सेज जितने हैं कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी है हमारे शहर हमारे इंडिया में उसके अकॉर्डिंग जितने यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, तो पहले तो महंगाई कम करने की ज़रूरत है सबसे बेस्ट। हमें सरकार से ही उम्मीद है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो हम बच्चों के लिए कुछ सरकार इस तरह से प्रयास करे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुँचे, जैसे कि लैपटॉप है टैबलेट है, ये कुछ चीज़ हम लोगों को मिलना चाहिए। पिछली सरकार ने कुछ किया था लेकिन इस सरकार में हमें नहीं मिल रहा है, जैसे दिल्ली सरकार बच्चों के लिए टैबलेट दे रही है सब कुछ कर रही है, कि हमारी सरकार जो भाजपा सरकार हमसे यही उम्मीद है कुछ टेक्नोलॉजी हमको मिले। बजट से हम छात्रों के लिए सर ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो स्कॉलरशिप है पहली चीज़ तो अभी तक केवल जर्नल की ही आई है, और ये स्कॉलरशिप से छात्र बहुत सारी उम्मीदें किए बैठे हुए रहते हैं, जैसे कि अब लगभग लोगों का खर्चा नहीं निकल पाता है या गाइड्स वगैरह लेनी रहती हैं, तो कुछ लोगों की स्कॉलरशिप जिनकी अधिकतर लोगों की तो आई नहीं है, जिनकी आई भी है उनकी आधी आई है, जैसे 1,000-2,000 रुपये। तो ये सरकार से निवेदन है कि कृपया छात्रों के स्कॉलरशिप पूरा पूरा और जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं कि 4 साल काम करते हो गया, वेतन नहीं बढ़ा, 6,000 पर काम कर रहे हैं, उससे एक पैसा बढ़ा नहीं वेतन,
क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा सैलरी महंगाई को देखते हुए उचित मजदूरी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए सैलरी। इटावा में व्यापारी वर्ग से लेकर के सड़क किनारे ठेला और पान के दुकान लगाने वालों को बजट से किस किस्म की उम्मीदें हैं, सुनिए। हमारी महिलाएं जितने भी हैं, महिला जितने, उनके लिए घर गृहस्थी की खाने पीने की जो दाल चीनी चावल, ये घर गृहस्थी सब्जी वगैरह सस्ती हो, और जो रसोई गैस वगैरह जो इतनी महंगी करी हुई है उसमें कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर की कीमत कम हो, गरीबी आलू कम हो, मतलब चावल सस्ता हो, ये भी आइटम है, घरेलू आइटम है जो खाने पीने को सस्ता होना चाहिए, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। महंगाई खाद्य पदार्थों पर बहुत है, हाँ, जैसे दाल है, ये गेहूँ है। तो क्या चाहते उसमें आप? मतलब उसमें कुछ सुधार हो, सरकार यही चाहे, यही करे, और क्या है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान के शहर रामपुर में लोगों की क्या मांग है, योगी सरकार से यहां के लोग बजट में किस किस्म की चाहत रखते हैं, सुनिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे ये आपका बीज और खाद बहुत महंगा है, महंगे के साथ साथ फिर जो उपज हमारी आती है वो सही दामों में नहीं जा पाती है, तो हमारा एक निवेदन योगी सरकार जी से यही रहेगा कि खाद और बीज थोड़ा मद्दा कर दिया जाए, और जो हमारी उपज जो फसल आए उसको अच्छे रेटों में और अच्छे दामों में हमसे ले लिया जाए, हमारी यही निवेदन और यही विनती रहेगी योगी सरकार से। लेकिन मैं योगी जी से ये चाहता हूँ कि जो आप बजट पास कर रहे हैं उस बजट में खास तौर से युवाओं का और उनमें भी खास तौर से जो स्टूडेंट है उनका ध्यान रखा जाए, और उनमें जो उनकी स्कॉलरशिप है उसे वक्त पर पहुँचाया जाए, और उनके साथ साथ उन्हें फीस में छूट दी जाए, और वक्त पर जो है कि लोन उनके लिए तय किया जाए जिससे कि वो आगे पढ़ाई कर सके। बजट में योगी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, जैसे रसोई गैस पर जो है अभी केंद्र सरकार ने 145 रुपये बढ़ाए हैं, उस पर प्रदेश सरकार को अपना टैक्स, अपनी सब्सिडी कम करनी चाहिए जिससे घरेलू औरतों को जो है अधिक लाभ मिले और जो है उनका घरेलू बजट ना बिगड़े। बजट थोड़ा हिसाब से हो जाए, महंगाई कम हो जानी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पब्लिक परेशान है और बहुत ज़्यादा महंगाई में लोग परेशान हो रहे हैं, वो बजट कम हो जाना चाहिए, थोड़ा हिसाब किताब से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा सभी वर्ग के लोगों के की तरफ से सभी शहरों से सामने आ रहा है, और ऐसे में R9 TV की टीम पहुंची उन्नाव, जहां बजट के बारे में लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। महिलाओं को योगी सरकार से क्या उम्मीदें हैं बजट से, सुनिए। अरे भैया, महंगाई बहुत ज्यादा हर चीज में, हर चीज साग सब्जी लग महंगा है, इस समय दूध सबसे ज्यादा सस्ता है। आप किसान हो, किसान होने के क्या सोचते हैं, इस सरकार से क्या चाहते हैं? अरे सिलेंडर महंगा है भैया, वो हम यहाँ पैसा नहीं है तो कैसे हम लोग भराइए, हर चीज तो महंगी है। ऐसा है देखो, एक लड़की के लिए बजट का उसके हिसाब से ही होना चाहिए, जैसे उसके बिजली है और गैस है, ये सब सब्जियां हैं, जैसे ये सब खाने पीने का सामान है, ये सब उसके थोड़ा सा उसमें होना चाहिए जिससे वो अपना घर का खर्चा सुबह से चला सके। हालांकि गृहिणी तो अपने हिसाब से ही चलाती है, लेकिन फिर भी बजट ज़्यादा हो जाता है, उसकी आमदनी के हिसाब से तो दिक्कतें तो आती ही आती हैं। सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं, जैसे कि जो हम लोग की रोज़मर्रा वाली जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सस्ती की जाए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, जैसे कि सिलेंडर है, चीनी है, आलू है, प्याज है, रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मोहब्बत की नगरी, ताज नगरी यानी कि आगरा, लोगों को इस बार बजट में योगी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए R9 TV संवाददाता शिव चौहान हर वक्त के लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान किसने क्या कहा, उम्मीदें किस तौर पर सामने आई, सुनिए। योगी सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, अन्नदाता कही जाने वाले किसान को इस बार इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पूर्व में जितने भी बजट पेश हुए हैं किसान, हर बार किसान को निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन इस बार 18 फरवरी को योगी सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें किसान काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि 18 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है
वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? योगी सरकार से क्या मांगते हैं, क्या बजट में क्या करें आप? जी लाभ मिले किसानों को, किसान संबंधी और क्या है जी, और का सब सब चीज़ें की सुविधा मिले किसानों की, जितनी संबंधित चीज़ें हैं उसमें लाभ मिले। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब के बजट में सबसे पहले तो किसान यहाँ परेशान है, गाय बाजारों से गौशाला बननी चाहिए क्षेत्र में जी, और जे खाद पर पैसा इतना बढ़ गया है कि इसकी खाद की रेट कम होनी चाहिए। योगी बाबा से उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएँ, जैसे गाय ज़्यादा हैं इनकी व्यवस्था गौशाला बननी चाहिए, और बिजली फीली में सुधार होना चाहिए, और जी लगता है आपको इस बार योगी बाबा आपकी सुनवाई करेंगे? योगी बाबा तो सुनवाई कर सकते हैं, पर जो बीच में जो बैठे हैं दलाल बैठे हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं पूरा काम। कहीं भी चले जाओ, चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, सब चोर बैठे हुए। योगी बाबा सब व्यवस्था सही कर लो, उम्मीद है आपको। बिल्कुल, ये दर्द था उस अन्नदाता का जो खेती करता है, और 18 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश कर रही है और काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी है कि इस बार योगी सरकार अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की तरफ जरूर ध्यान देंगे। इस वक्त पहुंच चुके हैं एक चाय की दुकान पर, जहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ बजट की चर्चा कर रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि इस बार बजट में क्या खास हो कि उन्हें खुशी मिले। और ये लोग देख सकते हैं चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बजट को लेकर इनसे बात करेंगे। आप बताइए, योगी सरकार बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या पेश होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे निश्चित ही उम्मीद है कि वो अपने बजट को अच्छी तरह ही पास करेगी, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी शिक्षा चिकित्सा पे ज़्यादा काम करेगी। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का बजट अच्छा ही आएगा। भैया जी आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए भैया जी, इस बार योगी सरकार 18 फरवरी को बजट पेश कर रही है, ऐसा क्या बेहतर होना चाहिए कि आपको खुशी मिले? ऐसा एक तो थोड़ा सा किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और ये जो उद्योग धंधे आजकल चौपड़ पड़े इनके बारे में सोचना चाहिए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आम जनता परेशान है। आज ही रसोई सिलेंडर कितना महंगा हो गया, बजट आने से पहले ही तो उसके इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मैं इस वक्त लोगों से बात करने के लिए एक रेडीमेड शॉप पर मौजूद हूँ, और लोगों से जानूंगा कि इस बार योगी सरकार क्या खास करे, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, खुशी मिले। हमारे साथ दीदी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार बजट पेश कर रहा है, बजट पेश कर रही है, तो उसमें क्या ऐसा अच्छा होना चाहिए जो आपको राहत मिलेगी? उम्मीद कर सकते हैं कि शायद योगी जी ये सब करें और एजुकेशन पे थोड़ा और जोर दें। बिल्कुल, योगी सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस बार बजट को लेकर। और भी लोग रेडीमेड शॉप के अंदर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने चाहेंगे, बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा को लेकर किसानों से बात हुई है। आप बताइए, इस बजट आ रहा है योगी सरकार का, भैया आप क्या चाहते हैं इस बार? हम यही चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिले जी, और बढ़िया तरह गरीबों का सारा काम सही चले जी। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो और प्लस ये है कि थोड़ा देश के ऊपर भी ध्यान दें जी। अंकल जी आप क्या चाहते हैं, बजट योगी बाबा बजट पेश करने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार बजट में? हम तो ये चाहते हैं, हमें तो आज ये दिखाई दिया सिलेंडर की रेट आसमान छू गई है जी। खाने के लिए है नहीं, ये कपड़ा लेने के लिए आए, सोच रहे हैं कि जो ले लें कि ना ले लें, घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं कपड़ों के लिए, शादी का माहौल चल रहा है, हम तो जो है बहुत परेशान है भाई। बेरोजगारी तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं कि खाने के लाले पड़े हैं, स्थिति ये इतनी ख़राब हो गई है। अंकल जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं बजट से? भैया बजट से यही चाहते हैं कि एक तो जो काम धंधे निल पड़े हैं वो थोड़े से आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ ये जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है वो थोड़ा डाउन हो। उम्मीद है इस बार की आपको जरूर खुशी मिलेगी? हाँ उम्मीद है, पूरी उम्मीद है योगी सर से, जो भी है वो बजट को इस तरीके से लाएं कि मध्यम वर्ग और गरीब जो नीचे आ गया है उसे लेवल पे ले आए जी। बिल्कुल, R9 TV ने आज किसान, आम जनता, बेरोजगार लोगों से, छात्रें, उनसे बात की, तमाम लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, योगी सरकार इस पर ध्यान दे, किसानों के हित में बजट पेश किया जाए, तब जाके कहीं किसान को राहत मिलेगी। और तमाम उद्योगों पर लोगों को जो परेशानी हो रही है उद्योगों से, उस पर भी योगी जी खास तौर से ध्यान दें, तब कहीं जाकर आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त दिखाई दे रही है। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जनता की आकांक्षाएं, उम्मीदें और उनकी आवाजें कुछ इस तरीके से सरकार से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए इन्हीं आवाजों के बुनियाद पर हमने कहा सुनिए सरकार।
उम्मीद करते हैं एक बेहतरीन बजट आएगा जिससे सबका भला सबका विकास हो। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आर9 टीवी।